फ्री का टूर्नामेंट है, हर रमी प्लेयर को खेलना चाहिए। सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच जाओ तो पैसा कुछ ज्यादा ही मिलता है। फाइनल का प्राइज मनी आप देख सकते हैं, मैं सेमीफाइनल खेलने वाला हूं। सेमीफाइनल में एक बंदा क्वालिफाई करता है और आप प्राइज मनी देख सकते हैं, सेकंड होगा तो 1000 रुपया मिलेगा और बाकी का भी देख लो। सेमीफाइनल स्टार्ट होने वाला है, देखता हूँ कैसा कार्ड मिलेगा। पिछले बार तो अच्छा कार्ड मिला था, फाइनल पहुँच गया था। फाइनल में मुझे कितना मिला था आप यूट्यूब चैनल का वीडियो देख सकते हो। ये अच्छा कार्ड नहीं है, 3 बादशाह आया है, 3 बादशाह का एक सेट बन जाएगा, लेकिन सिक्वेंस सीरीज कुछ भी नहीं है। जोकर तो नहीं आया है, 10-1 भी नहीं है। इसको खेलने में फायदा नहीं है, इसको ड्रॉप देना पड़ेगा। मेरे को फास्ट आना पड़ेगा तो ही मैं फाइनल में पहुंच सकता हूं। लेकिन रिक्स लेके खेलने का कोई मतलब नहीं है, रिक्स लेके खेलूंगा तो माइनस बहुत हो जाएगा, दिक्कत में पड़ जाऊंगा लास्ट में। ये बंदा अगर मेरा सिक्वेंस बनने का ताश फेंक देता फिर भी मैं नहीं खेलने वाला हूँ। ये टूर्नामेंट हफ्ता में 3 दिन देता है और शाम को 8 बजे स्टार्ट होता है। अभी ये पान का नो फेंक दिया है, लेकिन मैं इसे लेने वाला नहीं हूँ, मैं इसको ड्रॉप ही करने वाला हूँ। जो पत्ता मेरे से डिक्लेयर होगा अच्छे कार्ड मिलेगा, मैं उसी को खेलने वाला हूँ, क्योंकि सेकंड आऊँ फिर भी 1000 रुपया तो मिलेगा। एस नाम का बंदा डिक्लेयर दे दिया है, देखता हूँ इसको कितना पॉइंट मिलेगा। इसका -57, बहुत पॉइंट मिल गया इसको। इसको 136 पॉइंट मिल चुका है, मतलब ये फास्ट हो गया है। अगली बार देखता हूँ अच्छा कार्ड मिलेगा तो खेलूँगा। इस बार अच्छा कार्ड मिल चुका है, 2 9 लेके 3 जोकर हो गया और 1 पियोस सीक्वेंस मिल जाए तो बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी खेलने वाला हूँ। पियोस सीक्वेंस मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये अगर हुकुम का बैगम दे देता तो मेरे से डिक्लेयर होता। पान का गुलाम दे दिया है, मैं इसको लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास पियोस सीक्वेंस नहीं है, इसको लेके पियोस सीक्वेंस बनाऊंगा। आप लोग कह सकते हो पान का 9 जोकर है, लेकिन पान का गुलाम लेके फायदा नहीं है। लेकिन लास्ट में पियोस सीक्वेंस अगर मेरे को नहीं मिला तो मेरा -80 हो जाएगा, इसलिए मैंने ले लिया और चिड़ी का 8 फेंक दिया। अभी भी मेरे को 2 ताश जरूरत है तभी मैं डिक्लेयर कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ इस बार हुकुम का 1 का मिल जाए और फिर हुकुम का बैगम मिल जाए, कुछ भी एक दे दो। और ये चिड़ी का 4 कुछ काम का नहीं है, इसको मैं फेंकने वाला हूँ। चिड़ी का गुलाम लेके फायदा नहीं है, देखता हूँ क्या मिलेगा। हुकुम का 6 मिल चुका है, मैं इसको रखने वाला हूँ, क्योंकि 1 पान का 6 है और 1 अभी मिला है हुकुम का 6 का एक सेट बन सकता है, इसलिए चिड़ी का 4 फेंक दिया। 1 का नहीं लूंगा, देखता हूँ क्या मिलेगा। हुकुम का 7, इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 का एक सेट बन सकता है और 7 का भी एक सेट बन सकता है। ये 2-3 छोटा ताश मिलने का चांस बहुत कम है, छोटा ताश नहीं देता है, इसलिए मैं इंड का 3 फेंक देता हूँ। अभी इसने पान का बैगम फेंका है, इसको ले लेता हूँ। पान का 9 जोकर है, वो फ्री हो जाएगा। हुकुम का 6-7 के साथ दे देता हूँ और उसके बाद हुकुम का 2 फेंक देता हूँ। और मेरे को 1 ताश जरूरत है, 1 ताश मिल गया तो मैं इसे डिक्लेयर कर दूंगा। इसने इन का बादशाह फेंका है, इसको लेके फायदा नहीं है, देखता हूँ। चिड़ी का 6 मिल चुका है, 6 का एक सेट बन जाएगा और 7 का एक सेट बन जाएगा। 6 का ऐसे ही 3 6 6 का नॉर्मल सेट बन जाएगा और जोकर देके 7 का एक सेट बन गया। उसके बाद हुकुम का 3 देके डिक्लेयर कर देता हूँ। अभी देखना है कितना पॉइंट मुझे मिलने वाला है। 65 42, वेरी गुड। मैं अभी फर्स्ट पोजिशन में आ चुका हूँ। कार्ड अच्छा नहीं आया, मैं इसे ड्रॉप देने वाला हूँ, क्योंकि 2 जोकर 10 2 है, मतलब जोकर 2 है, लेकिन सीक्वेंस सीरीज कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस मिलने का चांस भी नहीं है। 7 8 है पान का और कुछ भी नहीं है, मैं इसे खेलने वाला नहीं हूँ, ड्रॉप दे देता हूँ। अभी भी 3 डील बाकी है, मतलब एक बार मेरे को और डिक्लेयर करना पड़ेगा तभी मैं फास्ट आ पाऊंगा, फाइनल में जा सकता हूँ, नहीं तो नहीं। इसे डिक्लेयर कर दिया है, इसको मिला है 101 पॉइंट। मैं अभी भी फास्ट हूँ, लेकिन मेरे को और एक डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने डिक्लेयर किया है उसका और एक डिक्लेयर हो जाए तो वो फास्ट हो जाएगा, इसलिए मेरे को और एक डिक्लेयर मांगता है। इस बार भी मेरे को कार्ड अच्छा नहीं मिला है, 1 जोकर मिला है 9 और कुछ भी नहीं है। 3 1 का है, 1 का का सेट है, मैं इसे ड्रॉप देने वाला हूँ, ड्रॉप दे देता हूँ। माजी नाम का बंदा डिक्लेयर कर दिया है, इसको मिला है 70 पॉइंट, फिर भी मैं फास्ट हूँ। सेट इस बार भी अच्छा कार्ड नहीं आया है, चिड़ी का 4 5 6 है, लेकिन 1 भी जोकर नहीं है, इसे मैं डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा, माइनस हो जाएगा बहुत। लेकिन और एक डील बाकी है, उसे डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, इसको ड्रॉप दे देता हूँ। और सिर्फ 1 डिक्लेयर बाकी है, सिर्फ 1 डिक्लेयर मेरे से हो जाए मैं फास्ट ही रहने वाला हूँ, फास्ट ही रहूँगा, लेकिन किसी और ने दे दिया तो मुश्किल में पड़ जाऊँगा। अरे डिक्लेयर दे दिया, इसको कितना मिलेगा देखता हूँ। 80 माइनस, ये फास्ट हो गया। अभी मेरे को लास्ट चांस बाकी है, लास्ट डील बाकी है, उसमें मेरे को डिक्लेयर देना ही पड़ेगा। अभी माजी 670 पॉइंट के साथ है, वो फास्ट हो चुका है, मैं अभी भी सेकंड हूँ, इसे डिक्लेयर करूँगा तो फास्ट हो जाऊँगा। पत्ता अच्छा है, ये डिक्लेयर हो सकता है। पान का 9 10 गुलाम, 1 पियोस सीक्वेंस बन गया, बैगम जोकर है 1 है और उसके बाद 4 3 है
और एक का तीन है, मतलब चार का सेट एक का सेट पहले से आ चुका है मेरे पास और दो तास का कमी है, देखता हूँ क्या मिलेगा। इसे डिक्लेयर हो जाएगा मुझे लगता है। इसने पान का पाँच फेंका है, मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि पान का छः का सेट साथ एक सेट बन जाएगा और यह इन का दस का कुछ काम नहीं है, मैं इसको ही फेंकने वाला हूँ, फेंक देता हूँ। और एक तास दे दे यार, एक तास दे दे, क्या देगा एक तास दे दे, देना रे यार एक तास। इनका चार मिल चुका है मेरे से, डिक्लेयर हो गया, ये चार का एक सेट बन गया। उसके बाद हुकुम का पाँच देके डिक्लेयर कर देता हूँ। अभी मैं फाइनल में पहुँच चुका हूँ, फाइनल खेलने वाला हूँ, उसमें 9000 रुपया मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। फाइनल का प्राइज आप देख सकते हो, पहला जो होगा उसको मिलेगा 9000 रुपया, उसके बाद 6000, 4000, 3000, सभी को अच्छा प्राइज मिलने वाला है, ये आएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फाइनल स्टार्ट होने वाला है और किसी का अकाउंट रिलेटेड क्वेरी हो तो अकाउंट ब्लॉक और KYC ब्लॉक, ईमेल ब्लॉक हो रहा है तो मेरे चैनल चेकआउट करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा।